तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें एक बार फिर से तो हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे रेनगेज वगैरह के बारे में। क्या रेनगेज वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको मैंने बता दिया था नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग कौन कौन सा होता है, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा फिगर वगैरह चर्चा कर लेते हैं, तो डिटेल में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉन रिकॉर्डिंग में क्या अवेलेबल थे, साइमंस नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज, ठीक। इसको कब तक यूज कर सकते थे हम लोग, 1969 से पहले हम लोग इसका यूज कर देते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता था, इसको ग्राउंड लेवल के ऊपर 30 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता था, कितना ग्राउंड लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर तक रखा जाता था। बाकी जितना भी स्ट्रक्चर था उसको अंदर ग्राउंड लेवल के अंदर डाल दिया जाता था, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर था, जो मेन स्ट्रक्चर था, वो किससे बना था, कॉन्क्रीट का बना था। उसका अगर बात किया जाए कितने का था, तो 2x2x2 का था, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए ठीक है। इसका अगर आप लोग कभी बात किए कर सकते थे हाइट वगैरह मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अपर लेवल का हाइट 2.5 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद 20 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, और फिर जो ग्राउंड लेवल के अंदर है उसको 2.5 2.5, ठीक है। ऐसे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे फनल यूज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फनल क्यों यूज कर रहे हैं, कोई पूछ दे यहाँ पे फनल हम लोग यूज कर रहे हैं, फनल क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फनल को इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो भी वाटर वगैरह आ रहा है वो यूनिफॉर्मली आए, इसलिए हम लोग फनल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो केसिंग है ये उसके ऊपर है मेटल, इसको क्या है मेटल केसिंग है, बॉटल ग्लास बॉटल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ जो पानी जमा हो रहा है वो डी डेप्थ तक जमा है, इसका कुछ एरिया है, ठीक है। हम लोग मतलब कोई बड़े से कैचमेंट एरिया में इसको रखे हैं, तो उस कैचमेंट एरिया को मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया, ठीक है। तो हमको मान लेते हैं रेनफॉल का डेप्थ निकालना, क्या निकालना, रेनफॉल का डेप्थ निकालना है। तो क्या करेंगे, डेप्थ किसका, सिलेंडर के वेसल का जो डेप्थ है इसमें और इसके एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस ये जो एरिया है और ये डेप्थ, ए इंटू डी मल्टीप्लाई कर दी, और एरिया कौन से जो कैचमेंट एरिया में हम लोग रखे हुए हैं इस रेनगेज को, उसका एरिया इंटू हाइट, ठीक है। हाइट और ये जो हाइट है ना, यही जो हाइट है ये आपको बताएगा डेप्थ ऑफ, क्या बताएगा, डेप्थ ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो वही मैंने दोनों इसको ए और डी करके ये वॉल्यूम और ये कैचमेंट एरिया और हाइट जो होगा, डेप्थ जो होगा रेनफॉल का, उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दिए, उसको दोनों को इक्वल कर दिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल कर दिए किसका, ये जो आ रहा है इसका और कैचमेंट एरिया इंटू रेनफॉल डेप्थ का, ठीक है। तो हमको यहाँ से डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकाल लेंगे एच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इससे हम लोग देख सकते हैं ए इंटू डी बाई कैपिटल ए, कैपिटल ए हो गया कैचमेंट एरिया, छोटा स्मॉल ए क्या हो गया, एरिया जो इसमें जितना हम पानी भरा है वो, और डी डेप्थ जितना डेप्थ तक पानी भरा है वो, ठीक है। ये मैंने बात किया साइमंस नॉन रिकॉर्डिंग, जो कि 1969 के पहले यूज होता था, ठीक है। उसका दूसरा क्या था, स्टैंडर्ड नॉन क्या था, दूसरा स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग, ठीक है। वो कुछ इस तरह का था, इसमें कुछ जो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, दोनों लगभग इक्वल ही था, दोनों कुछ इतना कुछ खास है नहीं, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं इसका हाइट क्या था, इसका हाइट ग्राउंड लेवल से 30 सेंटीमीटर, कितना था ग्राउंड लेवल 25 और यहाँ 5, ग्राउंड लेवल से पूरे 30 सेंटीमीटर ऊपर था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर यह किस समय बना हुआ था, ये कंक्रीट वगैरह से बना हुआ था, ठीक है। इसका मेन बेस ये क्या था, बेस था, और ये कौन सा बोतल, प्लास्टिक का बोतल रखा जाता था, ठीक है। 2 लीटर का, 4 लीटर का, फिर 10 लीटर का, जितना वो वहाँ पर पानी वहाँ पर जमा करने का कैपेसिटी था उतना हम लोग यहाँ पर रख सकते थे, ठीक है। फनल यहाँ भी यूज होता था, क्यों, वाटर को यूनिफॉर्मली गिराने के लिए। यहाँ पर एक लॉकिंग रिंग होता था, यहाँ पर क्या था, लॉकिंग फनल को लॉक करने के लिए, इधर उधर नहीं जाए, वहाँ पर हम लोग क्या यहाँ पर क्या लॉकिंग रिंग भी यूज करने लगे थे, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्टर जो था ना, यहाँ पे जो एक किससे बना हुआ था, गन मेटल से बना हुआ था, ठीक है। कलेक्टर किससे बना हुआ था, गन मेटल से बना हुआ था। इसका ये जो है स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज है, उसका अपर लेवल के एरिया का अगर बात की जाए, अपर लेवल के एरिया के बारे में बात की जाए, तो ये दो होते थे, या तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते थे, ठीक है। ये हो गया, बाकी सारा जो इसमें बताएं वही पूरे इसमें है, ठीक है। दिक्कत लेने वाली बात कुछ नहीं है, जो इसमें था वही इसमें है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया साइमंस नॉन रिकॉर्डिंग, दोनों नॉन रिकॉर्डिंग है, पहला साइमन जो 1969 से पहले होता था, दूसरा स्टैंडर्ड जो कि 1969 के बाद आया था, ठीक है। और कुछ बात है नहीं,
और हाँ ग्राउंड ग्राउंड लेवल में कितना कितना डीप तक ले जाता था, 60 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल के इसको अंदर डीप डाला जाता था, ठीक है। और इधर देखा जाए तो ये कितना 60 सेंटीमीटर का साइज था, ठीक है। सारा कुछ तो मैंने बता दिया, ऐसे ये तो कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाए कि किस स्टैंडर्ड किस तरह का होता था, साइमंस किस तरह का होता था, साइमंस को कब यूज करते थे, इतना कुछ बस जान लीजिए काफ़ी है, ठीक है। हाँ ये आप भले ही याद कर सकते हैं कि कितने डीप में डाला जाता था, 60 या इसका होगा सर यहाँ पर 55 होगा, 60 है पूरा का, ये पूरा का कितना है 60 का, ठीक है। तो यहाँ बस इतना बस आप लोग ध्यान रखिए ना कि कहाँ कि कितने डीप ग्राउंड में डाला जाता था, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना, और ग्राउंड के ऊपर कितना था, इसमें कितना था 30 सेंटीमीटर ऊपर आता था, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। इसमें इसमें क्या था, इसमें 30 सेंटीमीटर ऊपर आता था, ठीक है। इसका ये जो कॉन के स्ट्रक्चर जो बनता था वो उसका क्या था डायमेंशन, और इसका डायमेंशन क्या था, इतना बस ध्यान में रखिए, बाकी दोनों सही है, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। तो ये था नॉन रिकॉर्डिंग, बाकी अब बचा कौन सा, रिकॉर्डिंग वाला। तो रिकॉर्डिंग वाला में 3 था ना, टिपिंग बकेट बकेट टाइप था, ठीक है, कौन सा बताइए एक बार आप, टिपिंग बकेट टाइप था, वेइंग बकेट टाइप था, और नेचुरल सिंपल, ठीक है। तो तीनों है, तीनों को आपको अगले लेक्चर में मैं बताऊँगा। हाँ तब तक हंसते रहिए, मुस्कते रहिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।